रोज 15 मिनट के लिए डॉक्टर चाहिए, कैदी हूँ, गैंगस्टर नहीं। केजरीवाल ने कोर्ट में क्यों दी ऐसी दलील? आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए आवेदन में रोजाना 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवार के सदस्य की मौजूदगी में चिकित्सक से परामर्श की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सप्ताह में 3 बार चिकित्सक से परामर्श की मांग करने वाला आवेदन गुरुवार को वापस ले लिया गया था। शुक्रवार को नए आवेदन में नियमित तौर पर 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवार के सदस्य की मौजूदगी में चिकित्सक से परामर्श की मांग की गई। केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक कैदी हूं, क्या मुझे सम्मानजनक जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं एक गैंगस्टर हूं कि मुझे अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस परामर्श की भी अनुमति नहीं दी जा सकती? हमारे पास 75 वर्षों से लोकतंत्र है, लेकिन मैं इस तरह का दृष्टिकोण पहली बार देख रहा हूँ। तिहाड़ प्रशासन का दावा डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से पेश वकील ने कहा कि केजरीवाल जो खाना खा रहे थे वह उनके डॉक्टर द्वारा निर्धारित आहार चार्ट से मेल नहीं खाता। इसमें कहा गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की मधुमेह की देखभाल के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं थी। डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट चार्ट में उन्हें मिठाई और कई तरह के फलों के सेवन पर रोक थी। उन्हें उसी आधार पर खाना दिया जाना चाहिए, वरना हम घर के खाने को रोकने का आवेदन दाखिल करेंगे। जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि 1 अप्रैल को केजरीवाल की तरफ से दिए आवेदन में जिस डाइट चार्ट का जिक्र था उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसका वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने विरोध किया जो केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे। वकील ने अदालत में कहा कि ईडी का इस सुनवाई से क्या लेना देना है, वे ईडी कोई पक्ष नहीं है, ये मेरे और जेल तथा अदालत के बीच है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिल रही भाजपा। दिल्ली भाजपा ने कहा कि जेल में मुख्यमंत्री को यदि कोई तकलीफ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उनकी सरकार की है। हमारी जानकारी के अनुसार जेल में 2 डॉक्टर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार उनको जेल में घर से आए डाइट के अंडे, पूरी, सब्जी, हलवा एवं आम खाने को दिए जाते रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जेल में बंद मुख्यमंत्री के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें घर से बना खाना खाने के लिए दिया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।